और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए, बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है, बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कहा के लिए हुआ। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख ना लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है, और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। तो वो तो कह गए हैं कि अगर इफ्तार करने से आपके दोस्त खत्म नहीं हो जाएंगे, राज्यपाल से बात किया, तो हमसे कहीं से बात, सवाल पैदा नहीं, फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आइए आप सोच रहे हैं, कभी कभी हुआ है इस देश के, जरा संविधान को देख लीजिए क्या है शुरू से बना है, और जो भी गवर्नर होते हैं तो क्या गवर्नर से खाली बतियाया जाता है कि सरकार से बतियाया जाता है, कोई बात होता है इतिहास तक कभी हुआ है? हम तो कभी भी मैंने एक बना हुआ है कि राज्य सरकार की सहमति से होंगे, तो हम तो आज तक कभी पहले भी किसी का भी शासन रहा जो भी हमको कहते हैं हम कभी जरा भी एतराज नहीं करते, जो भी आते हैं हम तो समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग का आदत है आप जान रहे हैं ना, आई जो अभी आप बोल रहे हैं कितना दिन से राजनीति में जी, हम लोग कितना दिन से राजनीति में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।